सो ही गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल डोरेमोन ज़ोन। सो गाइज आज के वीडियो बहुत ही अच्छे वाले हैं। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है टॉप 5 पावरफुल कैरेक्टर इन डोरेमोन। यार तुम लोग सोच सकते हो टॉप 5 पावरफुल। मैंने बहुत सारे कैरेक्टर देखे हैं, इनमें से मैंने चूज़ किया है टॉप 5 को जो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। और मेरे जो लॉजिक है शायद आपके साथ भी मिल सकता है। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को भी ऑन कर देना एंड कमेंट भी ज़रूर करना कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए और कहाँ पर मुझे क्या मेरा वॉइस अच्छा आ रहा है, सब कुछ बोलना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नंबर 5 का जो कैरेक्टर है वो उसका नाम है ज़ेंडा क्लॉस। तो ज़ेंडा क्लॉस को हमने नंबर 5 में रखा है इसलिए क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। तो तुम लोग सोचो ये ज़ेंडा क्लॉस तो एक रोबोट है, पर ये रोबोट नहीं, ये सुपर रोबोट है। इसके अंदर जो पावर है वो अगर फुल्ली यूज़ करा जाता है तो एकदम से फुल वर्ल्ड को तबाह कर सकता है। लेकिन उसके अंदर सुपर पावर है और उसके लेज़र बीम इतने पावरफुल है कि एक साथ एक शहर को भी ख़त्म कर दे सकता है। तो तुम लोग आई होप सो थोड़ा सा भी सोच सकते हो कि ये कितना पावरफुल है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नंबर 5 पर जो आता है उसका नाम है माफूका। तो तुम लोग को सोच रहे हो कि माफूका को हमने कहीं ना कहीं पर देखा है। तो जी हाँ, तुम लोगों ने देखा है। तो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों ने कहाँ पर देखी। तो इसको तुम लोग देखे हैं डोरेमोन मूवी तूफानी एडवेंचर। तो अब हम लोग बोलते हैं ये टॉप 4 पर क्यों आया, टॉप 5 पर क्यों नहीं आया। तो इसका जो पावर है इससे वो मैंने इसका जो इसके वजह से फुल वर्ल्ड पर बहुत ही बड़ा साइक्लोन आने वाला था। तो ये बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है इसलिए हमने उसको टॉप 4 पर रखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट पावरफुल कैरेक्टर आए तो तुरीहो का नाम नहीं आया। ये कैसे हो सकता है यार, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो पावरफुल कैरेक्टर के टॉप 3 पर आ रहा है हमारा मिस्टीरियस कैरेक्टर तुरीहो। तो तुरीहो को कौन नहीं जानता यार, बच्चे बच्चे भी जानता है, ये इतना मिस्टीरियस है। तो मजाक क्या है वो हो? तो चलते हैं तुरीहो के बारे में। तो तुरीहो ऐसा मिस्टीरियस है, ये सब कुछ कर सकते हैं, मैं चेंज हो जाते हैं। जैसे हम लोग उसको बर्ड देखा था, बट वो बर्ड से मैन हो सकता है और उसकी वजह से फुल वर्ल्ड भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए हमारे 3rd पर तो ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो हमारे लिस्ट पर 2 पर जो है उसका नाम है डोरेमोन। तो डोरेमोन को हम लोगों को अलग करके इंट्रोड्यूस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग जानते हैं डोरेमोन एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। तुम लोग सोच रहे हो कि नंबर 2 पर ही क्यों, 1 पर क्यों नहीं। तो 1 पर सुनने के बाद तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। तो चलते हैं 1 पर। तो नंबर 1 पर जो कैरेक्टर आता है वो है लिटिल गॉड। तो लिटिल गॉड को तो हम सब लोग डोरेमोन मूवी गोल गोल गोलमाल पर देखे हैं। तो ये खुद को गॉड साबित करता है इसलिए इसको हमने 1 पर रखा है। और तुम लोग समझ ही सकते हो कि मैंने इसको नंबर 1 पर क्यों रखा है, डोरेमोन को नंबर 2 पर क्यों रखा है। तो इस वीडियो को यह पर ही एंड करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने जो टॉप 5 बोला है वो सभी सब ख़त्म हो गया है। इन 5 कैरेक्टर में से आप लोगों को कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है उसको कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर मेरे चैनल के वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।